ये कहाँ गए? दूसरी साइड। ओ 90 में सब चले गए ना यहाँ से। अच्छा, किसी का बेटा वहाँ पे है, माँ यहाँ पे है, किसी की माँ बाप वहाँ पे है, बेटा यहाँ पे, मतलब क्या बताऊँ। जैसे तो हमारा मन करता है, वैसे बंटवारे होने नहीं चाहिए, सरहदें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बस है ना, हम यही चाहते हैं। तो अभी उसको भी केरन बोला जाता है और इसको भी केरन बोला जाता है। जी जी, पीओके केरन है, बिल्कुल सर। गाइज ये वाला ट्रक देखो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो पाकिस्तानी ट्रक होते हैं जो सामान लोड करते हैं, मतलब इधर उधर लेके जाते हैं। और इसकी शेप देखो, इतना क्लोज तो मैं जिंदगी में कभी नहीं आया LOC के। वहाँ पर गाड़ी पे झंडा लगा हुआ है, एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ। सामने ही पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है मेरे, और सिर्फ फासला है तो इस दरिया का। सी सर तुझे बोरी, ये देखो भाई कितने सारे अखरोट मिले यहाँ पे, अखरोट के पेड़ ही पेड़ है। शहजाद भाई के हाथ में भी अखरोट है, जगह जगह मिल रहे हैं, इकट्ठे करेंगे खाएंगे इनको। ये अखरोट का पेड़ है, सी ये देख रहे हो, ये अखरोट है। तो देखिए ये एक फैमिली आई है और ये है शहजाद भाई, इनका एक होम स्टे है, आप यहाँ पर जाकर रह सकते हैं। ये पूरी फैमिली वहीं पे जा रही है, आप वहीं पे जा रहे हैं? जी सर, सब चीज सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, मिलेगी अच्छी तरह से। अच्छा, तो ये मेरे गेस्ट हैं। जनाब, तो ये भाई साहब है जो कल हमें मिले थे, लेकिन मुझे ये जो जगह है ना ये ज्यादा पसंद आई थी एक्चुअली। यहाँ पर बिल्कुल सामने आप बैठ के नजारे का आनंद ले सकते हैं, लेकिन फैमिलीज को क्या होता है कि भाई सारी चीजें सुविधा चाहिए होती है। बाकी ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, घूम रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस वैली को, केरन को। आप पहली बार आए हो? Yes, कहाँ से हो आप? हम यहाँ श्रीनगर। श्रीनगर से, ओके नाइस, अच्छा लगा मिलके। थैंक यू। क्या नाम है आपका? इब्रा जहान। इब्रा? इब्रा जहान। ओके, और इसका क्या है? ये तो शैतान लग रहा है मुझे, क्योंकि जो बच्चे चुप रहते हैं ना वो बहुत शैतान होते हैं, खतरनाक है ना। अमरूद वही समझ लो। हाँ अमरूद नहीं, अमरूद नहीं, तो बब्बू गोशा लग रहा मुझे, उसका एक शक्ल है यहाँ। अच्छा, तो ये इसका नाम क्या है वैसे? किसको? इसका, इसको, हाँ इसको समझो नाशपाती का दूसरा किस्म है। अच्छा, नाशपाती का दूसरा किस्म है। तो शहजादा भाई ने कल यही खिलाया था मुझे? नहीं सर, वो कल नाशपाती खिलाया था, ये नाशपाती का दूसरा किस्म है। अच्छा, कश्मीरी में बमजूंट कहते हैं। बमजूल? बमजूंट। बम चूंट, दोबारा मतलब सेब बोलते हैं इसको, बमजूंट। अच्छा, ये बम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बम नहीं, बम बन जाएगा। भाई साहब नाम अजीब है, बम सूट। राइट नाउ मैं हूँ गुलाम हसन लोन जी के साथ, जो कि शहजाद भाई के फादर हैं, और इन्होंने मुझे कुछ स्टोरी सुनाई थी थोड़ी देर पहले, तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, लेकिन अब ये दोबारा मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है वो भी इनके मुँह से जो स्टोरीज हैं, जो कहानियाँ हैं यहाँ की केरन सेक्टर की, कि भाई यहाँ से कैसे लोग दूसरी साइड गए, या फिर जो जो भी हुआ, कैसे हुआ, जो POK बना, जितनी भी स्टोरीज हैं ना आज आपको सुनाने वाले हैं हमारे ये गुलाम हसन लोन जी। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये इलाका जो है ये 47 से पहले ये इकट्ठा था। अच्छा, ये आजाद कश्मीर का जो टुकड़ा है ये इस इलाके के साथ इकट्ठा था, तो 47 में इसका बॉर्डर लग गया। तो हमारे वालिद साहब बोला करते थे कि उस वक्त में ये एरिया जो था ये इसी एरिया से अपने जो पंडित लोग थे उनका देवी मंदिर है शारदा में, शारदा। हाँ, तो वो बहुत मशहूर जगह है, मशहूर जगह वो POK में है। जी जी हाँ, वहाँ पे दो ज्यारते हैं, दो ज्यारते ज्यारते वो क्या होता है? मंदिर की। अच्छा, जैसे पीर बाबा की। हाँ हाँ, तो एक मुसलमानों की है। हाँ, और एक पंडितों की है। हाँ, तो मतलब वहाँ पे लोग जाते थे, जो भी मुराद वो मांगते थे वहाँ पे वो पूरी होती, लेकिन उसका जो पुराना रास्ता था जब आजादी से पहले भी जब अंग्रेज यहाँ बसते थे उस वक्त भी अंग्रेजों का यही रास्ता था केरन से। अच्छा, केरन से होते हुए बोर से होकर आगे पड़ता है पाकिस्तान का द्वारिया, बोर में इसका पुल है। ओके, बोर में पुल है। तो अच्छा, पुल तक जाने देते हैं? नहीं देते हैं। नहीं, पुल के थोड़ा इस साइड में पुल जो है वो झुमकर नाले के नजदीक है। अच्छा, पुल देख सकते हैं? नहीं, पुल बोर से देख सकते हैं हम, हमारी बोर में पोस्ट है। लेकिन हमें तो जाने नहीं देंगे सिविलियन को। केरन से 4.5 किलोमीटर है बोर तक। अच्छा, बोर आगे बॉर्डर है, आगे ये दरिया बॉर्डर नहीं है। ओके, आगे वो एरिया जो है इस साइड में। अरे आगे वो एरिया, हेलो, वो एरिया जो है वो इधर केरन की तरफ है। फिर इसको जंगल बॉर्डर पड़ती है। ओके, दरिया रहता है उनके हिस्से में, वहां ही से पुल है। यही दरिया है जो बांडीपोर में जिसका टंडर हुआ है। अच्छा, और ये आता है द्रास से। द्रास से, हाँ, शारदा जो है, शारदा का पुराना जो रास्ता था
आजकल गवर्नमेंट को लोगों ने बताया कि वही उधर से क्या नाम देते हैं उसका जो पुराना रास्ता है शारदा का, वो यूनिवर्सिटी शारदा है ना, अच्छा उसका यही रास्ता था पुराना। अच्छा ये इंडिया में कब कब तक था पूरा ये? ये 47 तक। 47 तक जी जी। कोई बता रहा था 1990 में अलग हुए? नहीं 1947 में। 47 में इसके दो टुकड़े हो गए। अच्छा 47 में दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े होने के बाद जब 90 का दौर आया, मिल्टन सी उठ गई, मिलिटेंसी, मिल्टन लोग जो आए वो एरिया जो है इधर है जंगल एरिया, तो मिल्टन खुले हो गए, वो केरन में घुस गए। जब वो केरन में आ गए तो उन लोगों ने घरों में घुस गए अंदर। हाँ। तो उन्होंने लोगों को ये बताया कि जंग लगने वाला है, तो आप लोग ऐसा काम करो कि आप ये रास्ता बोर वाला अख्तियार करो, 8-10 दिन उधर रहेंगे। हाँ। तो उसके बाद आप वापस आ जाओगे तो हमने टॉप से नीचे ये एरिया लेना है। तो लोगों को धोखा लग गया क्योंकि उनके पास गन थी, लोग तो खाली हाथ थे। उनको एक दिन में 1650 आदमी गए, पूरे गांव के गांव खाली हो गए। 1650 आदमी वो गए हैं जिनको FIR लगा हुआ है घर के बड़े, एक दिन में। अच्छा उनके पशु घोड़े वगैरह जो भी कुछ था साथ लेकर गए। अभी ये सुन के ना मेरे को अंदर से ना बोलते ना गूज बम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं ये सुन के। औरतें अपना घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता कभी। तो उसके बाद नतीजा ये हो गया कि हमारे बुजुर्ग जैसे मेरे वालिद साहब थे, इसी तरह कुछ और एक्स सर्विसमैन थे, मेरे फादर भी एक्स सर्विसमैन थे, है ना। तो उन्होंने क्या काम किया, ये पुराने एक्स सर्विसमैन थे ये जमा हुए, तो इन्होंने लोगों को बताया जो लोग यहाँ बचे थे कि भाई आप ऐसा काम करो, यहाँ से जब दूसरे एरिया में आप जाओगे तो दूसरी हुकूमत आपको छोड़ेगी नहीं, तो आप ऐसा काम करो हम यहाँ ही रहेंगे, अगर हमारे को कोई जगह नहीं मिली तो हम गवर्नमेंट को अपील करेंगे, गवर्नमेंट हमें दिल्ली में जगह देगी, लेकिन हम पार नहीं जाएंगे। तो नतीजा ये हो गया, ये लोग रुक गए, ये लोग रुक गए। तो तकरीबन एक हफ्ता पूरे मिल्टन जितने भी थे वो इस एरिया में खुले घूमते रहे। अच्छा हाँ, ये बात है 90 की, 90 की, 90 की बात है ये। तो एक हफ्ते के बाद हमारी एक रेजिमेंट आ गई, महार रेजिमेंट, महार रेजिमेंट फौज। ओके जब वो यहाँ पहुंची तो उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने ये पार वाली रोड जो है ब्लॉक कर दी। ओके है ना, जब छलंग हो गई, ब्लॉक हो गई, तब वो मिल्टन भाग गए, भाग गए, तब ये लोग उसके बाद सुकून में। अच्छा ये जो पूरा POK है वैसे कब तक इंडिया के पास था? पूरा तो वैसे इंडिया में ही था ना पहले? जी जी हाँ, पहले इंडिया में था पूरा, 47 तक ये इधर ही था। अच्छा 47 के बाद इसका पार्ट हो गया, उसके बाद जब मिल्टन सी उठ गई तो। लेकिन केरन में एक रिकॉर्ड रहा है कि केरन में इस वक्त तक प्रॉपर केरन में कोई किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना मिल्टन इसके अंदर उसके बाद घुस सके, ना हमारी फौज का नुकसान हो सका, ना सैनिकों का नुकसान हो सका। तो अब हाँ, तो फौज काफी हेल्प कर रही है यहाँ पर, है ना। अभी जो मतलब छलंग वालंग होती थी अब तो नहीं होती, हमारे पास बैंकर वगैरह अंडरग्राउंड नहीं थे। अच्छा बंकर है यहाँ पे? जी अभी कुछ एक एक बैंकर दिया है इन्होंने एक एक गाँव में। अच्छा लेकिन उसमें कितने आदमी घुसेंगे? हाँ ये भी बात है। हाँ वो भी अभी अनकम्प्लीट है, पूरे तैयार करके गवर्नमेंट ने नहीं दिए, ठेकेदारों ने पैसा खा लिया तो बंद करके उनको चले गए हैं। अमेजिंग सी बात दोस्तों ये है, जहाँ हम बैठे हैं अभी लोन भाई के घर पे, वहीं से POK का जो पहाड़ है वो दिख रहा है, देखो खिड़की में से ही, और यहाँ पर इनके बंकर बने हुए सामने, बिल्कुल सामने, ये देखो नजर आया आपको, एक मिनट ये रहे देखो। और ये कुछ बता रहे थे कि पीछे से क्या जा रही है इनके, ये पीछे इसके ऊपर रोड है सर, ऊपर। अच्छा इसके ऊपर से रोड है, इसके ऊपर से रोड है इनकी, इस जंगल से। अच्छा यहाँ से नजर तो नहीं आ रही, देखिए ये ऊपर भी शायद बंकर्स है। जी बंकर, यहाँ बंकर है, यहाँ पर बंकर्स सामने बंकर है। हाँ जब शलंग होती है हम इसी तरह अपने मकानों में बैठे रहते हैं। अच्छा तो ये शलंग जो होती है सामने सामने, तो इन मतलब मकानों में हम अल्लाह के तकिया लगा कर बस बैठ जाते हैं, ना किसी तरफ भागना और ना कहीं छुपना। ओके तो यहाँ से कभी शेलिंग हुई है सामने से? हाँ जी 90 में इतनी शेलिंग होती थी बात ही नहीं है। ये देखो ये जितने भी बंकर हैं, घर हैं, ये आर्मी के हैं, मतलब पाकिस्तान आर्मी के हैं। हम लोग जो हैं हम अपनी फौज के साथ अमनीशन पहुँचाना, राशन पहुँचाना, तो रात को हम चलते थे घोड़े लेकर पोस्टों पर, हाँ रात को, जिसमें हमारे कई सिविल आदमी नुकसान भी हो गए और कई आदमी हमारे नौजवान मारे भी गए, जिनके मतलब इस वक्त भी कुछ आदमी हैं हमारे कि किसी की बाजू कट गया, किसी की टांग कट गई, लेकिन हम लोग यहाँ से भागे नहीं किसी तरफ को, ना हमने पाकिस्तान का रुख किया और ना यहाँ से भाग कर कुपवाड़ा का रुख किया। हमने बोला मरेंगे तो अपनी जगह, रहेंगे तो अपनी जगह। ये हुकूमत बनने के बाद सबसे पहले तो ये खुशी देखी कि हमने पावर का मुंह देखा,
हाँ, मैं खुद हैरान हूँ। मैं वारवान गया था, वहाँ पे लाइट नहीं है जी, जी, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर लाइट आ रही है 24 घंटे। ये हमने बहुत बड़ी खुशी देखी, जिसके हमारे माँ बाप तरसते थे कि हम कब गाड़ी का मुंह देखेंगे इस केरन में, हकीकत बात है, या पावर का मुंह देखेंगे। तो सबसे बड़ी चीज हो गई कि हमें गाड़ी भी पहुंच गई। तो बस अब रोड बनने की देरी है, एक बार रोड बन जाए तो पूरा डेवलप हो जाएगा। पावर भी पहुंच गया हमें, तो अभी नेट भी हो जाएगा। हाँ, नेट का मेरे ख्याल से काम चल रहा है। जी हाँ, नेट का भी हो जाएगा आस्ता आस्ता। तो ये बहुत बड़ी हमें खुशी है कि इस गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। मुझे लगता है जैसे जैसे रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टूरिज्म आएगा यहाँ पर। और ये भी मुझे लगता है कि ये इंडिया का टॉप मोस्ट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। जी, और यहाँ पर अगर टूरिस्ट आता है तो बहुत ज़्यादा पैसा भी आएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, अपना काम खोलेंगे, तो चीज़ें मतलब आगे बढ़ेंगी। तो वहाँ पे ये एक बिछड़ा हुआ है, सबसे नजदीक पाकिस्तान को देखना, सबसे नजदीक है ये एक ही केरन का इलाका है। केरन का इलाका इतनी नजदीक बॉर्डर, यानी के हाँ, एक मैं भी के चेहरे को देखना, एक दूसरे के डेवलपमेंट को देखना है, तो मतलब सबसे और सबसे मतलब खूबसूरत इस पहाड़ी और यहाँ जंगल एरिया। लोग जो यहाँ से भाग कर पाकिस्तान 90 में चले गए, वो घर से बेघर हो गए। जब से केरल में पावर आ गया, केरल की डेवलपमेंट होने लगी, तब से वो लोग तरस रहे हैं। वो अरमान कर रहे हैं अपनी इंडिया का, हद से ज़्यादा। वो आकर इन रोड़ों पर बैठते हैं और देखते हैं यहाँ का ये हिसाब किताब कि हाँ भाई, केरल में भी कोई आ रहा है, केरल में भी पावर आ गया या केरल में भी नेट आ गया। अब वो लोग तरस रहे हैं, लेकिन वो तड़ रहे हैं, वो गवर्नमेंट उनको छोड़ नहीं रही है। तो अगर मतलब उसका कोई हैवी सेटअप है, मतलब ये बातचीत हो जाए कि भाई हमारे जो जितने भी माइग्रेंट कश्मीरी हैं उनको वापस किया जाए, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हो सकता है वो लोग वापस भी आ सकते हैं, वापस आएंगे, क्योंकि वो लोग तड़पते हैं, भाग तो सकते नहीं है, आगे एजेंसियां बैठी हैं। तो लेकिन जो लोग वीजे पर जा रहे हैं, उनके मुंह से हमने ये सुना कि वो लोग तड़प रहे हैं। इस वक्त तक उन लोगों ने अपने पक्के मकान नहीं बनाए। अच्छा जी सर, ये वीजे वालों ने हमें बहुत बताया, मैं तो खुद वीजे पर गया नहीं, लेकिन उन लोगों ने बताया कि उन्होंने पक्के मकान, मतलब काफी सारी फैमिलीज है जो यहाँ पे, यहाँ से बिल्कुल वहाँ पे हैं, और अब वो यहाँ पे आने के लिए तरस रहे हैं। तो अभी राजनाथ सिंह का एक बयान भी आया था शायद, जी सर, कि शारदा पीठ है, तो वो एक बयान बहुत फेमस भी हुआ पाकिस्तान में भी। जी सर। तो ये सब चीजें तो पॉलिटिकल भी हैं, चलती भी रहती हैं, बाकी तो अभी तो बहुत पीसफुल है। शैतान है, देखो 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 देखो, इसका नाम है हबरू, हबूर 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 हबूर। अभी देखो बहुत इनोसेंट बन के दिखा रही है, वैसे ये बहुत, अब इसको नानी बोल रही है तुझे वापस भेज रहे हैं, बोलती है मैं वापस नहीं जाऊंगी। 370 का कोई फर्क पड़ा इधर? जी सर, जो 370 हटाया सरकार ने, कुछ फर्क पड़ा उसका? सर हाँ, हाँ सर हाँ, क्या फर्क पड़ा? हम उस बात पे खुश है। खुश है जी सर। अच्छा, पहले में और अब में कुछ डिफरेंस लगता है सर? हुकूमत जब पहले थी हाँ, तो उस वक्त वजीर आजम भी अपना था हाँ, MLA भी अपने थे हाँ, लेकिन हमने ये देखा कि चोर हुकूमत में हमें कुछ नहीं मिला, किसी गरीब को कुछ नहीं मिला। तो सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं सर, केरन के अंदर शायद ये आपने देख भी लो आप और देख भी लेंगे, ये कोई छुपा कर नहीं कहता हूँ, ये चोरी की बात नहीं है। मोदी जी ने ऐलान किया कि हर घर को शौचालय दे दो, लेकिन इस वक्त तक केरन के अंदर किसी ने शौचालय नहीं लिया, न शौचालय का पैसा किसी को मिला, न किसी ने शौचालय लिया। ओके, अब जो काम सरकार के थ्रू आता है वो काम यहाँ तक पहुँच जाए, बाकी कोई काम यहाँ पे नहीं पहुँचता है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मेरे दो बच्चे फौज के साथ काम करते हैं, ये कंधे पे लोड लेकर जाते हैं, कभी पाउडर बैठते हैं तो मजदूरी करते हैं। मैंने उस पर यह अपना मकान खड़ा किया और ये बाथरूम वगैरह मैंने बनाया। अब जब मैंने ये टूरिज्म वाले आते हुए देखे तो मेरा जी तड़फ रहा है कि अगर मेरे पास कुछ पैसे बन जाएं हाँ, तो मैं इस मकान को ठीक कर लूं और ये टूरिज्म को दे दूं हाँ, बिल्कुल, ताकि मेरे बच्चों का भी आइंदा का मुस्तकबिल कुछ अच्छा हो। मेरा पूछने का मतलब ये था कि 370 से पहले खुशहाली थी या फिर अभी खुशहाली है? सर अभी खुशहाली है। अच्छा, 40 साल हमारी सेवल हुकूमत चलती रही। अच्छा, 40-45 साल सेवल हुकूमत चलती रही। उस सेवल हुकूमत में केरल में हमने कुछ बदलाव नहीं देखा। अभी कुछ देख रहे हैं बदलाव? सबसे पहला बदलाव तो ये है कि हिंदुस्तान का पावर केरल में पहुंच गया, तो रोशनी हम लोगों ने भी देखी, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और दूसरे नंबर पे ये
कि गाड़ी हमारे गांव में पहुंच गई, तो ये भी बदलाव है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज बकाया रह गई, एक तो हमारे बच्चों की बेरोजगारी रह गई, हाँ। है? और दूसरा हमारे को नेट का मामला रह गया। तो इसकी तो उम्मीद है ये हो जाएगा, हाँ। क्योंकि नेट हमारे लग रहे हैं, हाँ। तो इसकी उम्मीद रखते हैं। हमें बड़ी खुशी है इस चीज की, गवर्नमेंट से हद से ज्यादा खुशी है। इस दौर में हम ये समझने लगे सर कि हम भी किसी इलाके में बस रहे हैं, हमारी कोई हुकूमत है बिल्कुल, और हम भी किसी शहर वाले का मुंह देखेंगे। बल्कि कि हम लोग तरसते थे, कई बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं जो जिन्होंने कुपवाड़ा नहीं देखा, श्रीनगर की तो बात ही नहीं है, अच्छा। जम्मू की तो बात ही नहीं, जम्मू तो ख्वाब में भी नहीं देखा। और यहाँ की जो सेना है काफी हेल्पफुल है जी सर, मतलब काफी मदद करती है, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। बल्कि हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोग्रामों का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है किसी किस्म की तंगी, जैसे ये बाहर दिखा रहे हैं या इस वक्त पाकिस्तान वाले दे रहे हैं, ये हो रहा है वहाँ पे, वो हो रहा है, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि ज्यादातर सोशल मीडिया जो हैंडल्स होते हैं वो यही सब उल्टी सीधी चीजें चलाते हैं, बाकी तो आम कश्मीरी तो चाहता है कि सुखी जिंदगी जिए, अपने काम में लगा रहे, अमन होना चाहिए, अमन सर। चलो सर, अच्छा लगा मिलके, जो स्टोरीज आपने सुनाई मेरे तो रॉन्ग सीरियस, बहुत बड़ी खुशी, सीरियसली मेरे अंदर से ना ऐसी फीलिंग आ रही थी, मतलब रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल। तो अब निकलते हैं आगे, जहाँ हमेशा आया करो सर, अगली बार जब रोड बन जाएगा तब आऊंगा मैं, बिल्कुल बिल्कुल। चले सरदार भाई जी, सर निकले, अभी थोड़ा टाइम वेट करेंगे, अच्छा उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, अभी बरसात हो रही है। बरसात शुरू हो गई दोबारा, बरसात शुरू, ओए होए फिर दोबारा शुरू हो गई।